प्रीवियसली वी हैव डिस्कस द डिजाइन ऑफ पैक टावर एंड वी डिराइव द रिलेशनशिप फॉर हाइट ट्रांसफर यूनिट एंड द नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट. तो फॉर डायल्यूट सोल्यूशन नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट इक्वेशन बिकम्स इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म. वाई? क्योंकि प्रीवियसली वी हैव डिराइव दिस रिलेशनशिप फॉर एंड दिस इज फॉर ओवरऑल दिस इज ऑल्सो ए सिमिलर इक्वेशन यूज फॉर द नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट फॉर द लोकल एंड दिस इज फॉर द ओवरऑल, है ना. तो दिस इज द रिलेशनशिप. हेयर देयर इज अ टू टर्म, दिस वन इंटीग्रेशन टर्म एंड दिस इज एल एन टर्म. तो वेन वी कंसिडरिंग द डायल्यूट सोल्यूशन तो दिस टर्म इज वैनिश आउट बिकॉज द वाई वाई वन वाई टू इज वेरी स्मॉल. तो देयर एल एन वैल्यू इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो दिस दिस सेकेंड टर्म इज वैनिश आउट, ओनली फर्स्ट टर्म इज कंसिडर्ड. तो फर्स्ट टर्म, तो दिस इज द रिलेशनशिप. सिमिलरली फॉर इफ यू फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड देन दिस इज द इक्वेशन. एंड कीप इन माइंड कि वेन वी कंसिडर द डायल्यूट सोल्यूशन द इक्विलिब्रियम कर्व एंड द ऑपरेटिंग लाइन बोथ आर द स्ट्रेट लाइन बट देर इज अ नो लिमिटेशन कि दिस विल पास थ्रू द ऑरिजिन. Maybe sometime this will pass through the origin or may not be. So here just say this is the operating line and this is passing through the this having the some intercept. Maybe this type of equation. And the equilibrium line is this. This is the operating line and this is the equilibrium line. And the driving force is this force. So y value corresponding to this is known as a y star and this is y. This is the driving force between this. So for jab these operating lines, any operating line and equilibrium line are straight, so this driving force is also a straight line and this is follow this relationship. Any y minus y star is qx plus s and these are q and these s, these are the constant. Typically this line is a vertical line, so this q is not a slope, this is a constant. Always when we finding out the driving force, so we draw the vertical line. So this slope is fixed, इसलिए this is constant. Then put this value y minus y star qx plus s here and then integrate. So qx plus x when you input and then q comes outside already when you are taking the integration. So this term is q term which is multiply with the x is comes outside, so this is outside and this is again aayega, this term is ln qx plus s and qx plus s matlab for two condition, this is for x2 and this is for x1. This is a suffix, actually this is suffix of this qx plus x1. To this you can again write qx plus s in y minus y star form. To any key from this again my previous relation, to again we put this value here, so you will get this. Yani this qx plus s is replaced by y minus y star 1 and qx plus s x1 is replaced by y minus y star 2. Then quickly this is ln by something, ln by ln by this, so you can make this is logarithmic mean, hai na. To make the logarithmic mean, yani ki take this, quickly you already knows ki in the logarithmic mean we write the difference of some values and divide by ln of first difference divide by second difference, है ना. दिस इज द लॉगरिथमिक मीन अकॉर्डिंग टू दिस. तो यानी कि दिस टर्म कम्स इन अ डिनोमिनेटर, तो यानी कि टेक
द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो ये दिस टर्म इज कम्स हियर, है ना, एंड द डिफरेंस ऑफ दिस यू कैन राइट हियर, देन y माइनस वाई वन स्टार माइनस y माइनस वाई स्टार टू, है ना, दिस डिफरेंस, एंड दिस डिफरेंस इज सिंपली यानी कि y1 माइनस y2, यानी y1 माइनस y2 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी इन दिस एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई y1 माइनस y2 एंड y1 माइनस y2 इन द न्यूमरेटर एंड y1 माइनस y2 इनटू डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई दिस एंड द डिनोमिनेटर पार्ट को यू कैन राइट दिस वे, है ना, दिस टर्म इज रिटन इज दिस वे, ये दिस फॉर्म में यू कैन राइट इन दिस वे, क्योंकि ये देखो y1 y1 दिस वन इज ए y1 माइनस y1 स्टार 1 माइनस y2 माइनस y स्टार 2 एंड दीज टू वैल्यूज आर ऑलमोस्ट सेम, या वन मिनट, हेलो तो यानी पुट दिस वैल्यू तो यू आफ्टर रीअरेंजमेंट यू सर कुशाग्र को ऐड कर लीजिए सर एक बार, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो दिस एंड तो दिस डिनोमिनेटर टर्म इज नोन एज ए लॉगरिथमिक एवरेज, है ना, तो दिस वी हैव रिटन एज वन माइनस वाई स्टार एंड दिस एम स्टैंड फॉर द लॉगरिथमिक एवरेज, है ना, एंड वो इन द न्यूमरेटर वाई वन माइनस वाई टू, तो एन टी ओ जी यू कैन राइट दिस वे फॉर द डायल्यूट सोल्यूशन, यानी कि डायरेक्टली पुट दिस वैल्यूज हियर एंड यू कैन गेट द एनटीओजी, यानी कि विदाउट डूइंग द इंटीग्रेशन, जैसे प्रीवियस इक्वेशन हैविंग द इंटीग्रेशन, तो दिस इंटीग्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू सिंपली अर्थमेटिक इक्वेशन, तो एनटीओजी यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस, एंड ये y माइनस y स्टार लॉगरिथमिक एवरेज, तो दिस एवरेज यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द एंड पॉइंट कंपोजिशन, यानी कि टॉप कंपोजिशन एंड बॉटम कंपोजिशन, उसके बेसिस पे यू कैन इवेल्युएट, देखो y1 y2 एट द टॉप एंड बॉटम दिस इज नोन, y स्टार मतलब y स्टार यानी कि जो करस्पॉन्डिंग x वैल्यू होगी एट द टॉप एंड बॉटम, करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम वैल्यू फॉर दीज टू x वैल्यूज यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कर्व एंड देन पुट हेयर इन प्लेस ऑफ y स्टार तो एंड फाइंड आउट द, यानी कि दिस जैसे फॉर एग्जाम्पल हेयर y1 दिस वन, ये you already knows ki bottom ko one numbering and top is two, to yani this is x2 and this is x1, this is y1 and this is y2, to y1 to ye ho gaya y1, this y1 ye y1 ho gaya and corresponding y1 star, y1 star how you will get, yani corresponding this x1 find out the equilibrium value of y, this is the y1 star, put here as a similarly y2 star, to put these values to you will get the NTOG, and you already knows ke the relationship between h z equal to HTOG multiply by NTOG, na this give the total height of the packed section, HTOG, na NTOG और HTOG, तो दिस सॉरी तो ये HTOG, HTOG की वैल्यू यू कैन पुट हियर एंड NTOG की वैल्यू दिस, व्हेन यू पुट एंड रीअरेंज दिस एक्सप्रेशन तो यू विल गेट दिस, है ना, this gives the driving rate of mass transfer, and a g y1 minus y2, this is a rate of mass transfer and this is equal to this, yani after putting values only ntog this value you can put here and htog ki jo value hai you can put this, htog is simply g upon kga something ya fga something jaise bhi, this is overall to ye kga and pt, ठीक है, this value you can put here
HTOG की जगह NTOG की दिस वैल्यू एंड रीअरेंज तो यू विल गेट दिस एंड दिस विल गिव यू द मास ट्रांसफर रेट. देन सेकंड केस डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हेन हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल. हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल देन जो द इक्विलिब्रियम कर्व विल पास थ्रू द ओरिजिन. तो यानी देयरफॉर जो आर व्हिच इज इंटरसेप्ट इन द इक्विलिब्रियम कर्व लाइन जो ये भी दिस इज दिस आर है ना दिस टर्म इज जीरो है ना तो दिस लाइन इज पास थ्रू द ओरिजिन. तो एलिमिनेशन ऑफ एक्स बिटवीन द इक्विलिब्रियम एंड ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ वाई स्टार इन फर्स्ट इक्वेशन. यानी कि हाउ टू गेट दिस इक्वेशन एनटीओजी यानी कि इन प्लेस ऑफ एक्स यहाँ जैसे इन द ऑपरेटिंग लाइन ये है दिस इज यहाँ द एलिमिनेट दिस एक्स विद द हेल्प ऑफ वाई है ना विद तो एक्स इज रिप्लेस विद द हेल्प ऑफ वाई यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए एंड देन पुट इन टू द एनटीओजी एंड देन सॉल्व तो ये दिस यू विल गेट दिस रिलेशनशिप है ना. तो डायरेक्टली रिमेंबर दिस रिलेशनशिप कि दिस इज द इक्वेशन फॉर एनटीओजी. तो एल एन वाई वन माइनस एम एक्स टू वाई टू माइनस एम एक्स टू विद इन ब्रैकेट वन माइनस वन बाई ए एंड ए इज ए स्ट्रिपिंग फैक्टर सॉरी वन बाई ए इज ए स्ट्रिपिंग फैक्टर ए इज ए एब्जॉर्प्शन फैक्टर. तो ये ए इज एब्जॉर्प्शन फैक्टर यू रिमेंबर दिस ए इज एब्जॉर्प्शन क्योंकि दिस रेसिप्रोकल इज नोन एज ए स्ट्रिपिंग फैक्टर यानी वन बाई ए बट ए इज ए एब्जॉर्प्शन फैक्टर. तो ये पुट द एब्जॉर्प्शन फैक्टर वैल्यू हियर एंड वाई वन वाई टू की ये दीज आर द एंड पॉइंट वैल्यूज है ना. एंड पॉइंट मीन्स यानी दीज वैल्यू यू पुट हियर तो यू विल गेट द एनटीओजी फॉर द डायल्यूट सॉल्यूशन वेयर हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल. यानी हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ठीक है. तो दिस इज एप्लीकेबल एंड सिमिलरली फॉर एनटीओएल यानी नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट ओवरऑल ट्रांसफर यूनिट ऑन द लिक्विड बेसिस. तो दिस इज अगेन दिस इक्वेशन तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट द एनटीओएल. HTOL is simple क्योंकि HTOL is simply you can find out L by FLA है ना. ये this is L by FLA को this is mass transfer coefficient है ना. On the bulk basis you can write on the individual liquid individual local basis पे you can replace with the KL KX or anyway, है ना. There is a relationship between FLA and KL and KX. So you, with the help of this, you can replace this and find out the HTOL. अब the overall height of transfer unit. देखो, when overall number of transfer units are appropriate, number of transfer unit, यानी NTOL you know, है ना. The overall height of the transfer unit can be synthesized from those of the individual faces through the relationship developed in mass transfer coefficient chapter. These relationships is available in the mass transfer coefficient chapter yani chapter number 5. So this relationship yani this is overall mass transfer coefficient for the gas phase to ye with the help of these relationship to in the 1 by fg in the numerator 1 minus ya this is im means yani ki this is again logarithmic mean lekin here the interfacial composition are used hai na. to 1 minus ya I upon 1 minus yag to is type se and in the denominator this is a star hai na. to ye equilibrium composition तो दिस रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन दिस आई रिप्रेजेंट द इंटरफेशियल कंपोजिशन. तो व्हेन यू कैलकुलेट द 1 माइनस एक्स ए एंड 1 माइनस वाई ए क्योंकि आई विल शो यू क्योंकि ताकि यू कैन रिमेंबर दिस
दिस रिलेशनशिप, है ना। हियर दिस स्क्रीन इज विजिबल, यस सर, है ना। दिस इज द रिलेशनशिप, वन बाई एफ ओ जी इज इक्वल टू वन बाई एफ जी वन माइनस वाई ए आई एम। तो आई एम मीन्स लॉगरिथमिक मीन ऑफ वन माइनस वाई ए जी एंड वन माइनस वाई ए आई, जो हम कह रहे थे, है ना। दिस इज लॉगरिथमिक मीन ऑफ दिस टू, वन माइनस वाई ए जी। वाई ए जी स्टैंड फॉर यानी कंपोजिशन ऑफ गैस, यानी सल्यूट ए कंपोजिशन इन गैस फेस, वो भी बल्क में, है ना। जी स्टैंड फॉर द बल्क एंड आई स्टैंड फॉर द इंटरफेस, यानी दिस वे, जैसे दिस इज द इंटरफेस एंड द वाई ए आई इज कंपोजिशन हेयर एंड वाई ए जी इज कंपोजिशन एट द बल्क। ये तो दिस इज द लॉगरिथमिक मीन एवरेज फॉर दिस केस, यू कैन इवेल्युएट इट सिमिलरली वन माइनस एक्स। तो दिस वे यू कैन फाइंड आउट द एफ ओ जी एंड एफ ओ एल, है ना। दिस इज इक्वेशन फॉर एफ ओ एल एंड फर्स्ट वन इज ए फॉर एफ ओ जी। दिस इज ओवरऑल मास ट्रांसफर कोफिशियंट इन गैस फेज एंड इन द लिक्विड फेज, ये भी बल्क बेसिस पे है। दीज आर सिमिलरली दिस रिलेशनशिप, यानी कि दिस विल गिव द जी अपॉन एफ ओ जी ए, ये है दिस इज हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट निकालने के लिए है। तो दिस इज नीडेड, तो ये वही सिंपली इस इक्वेशन में क्या किया है, दिस इज मल्टीप्लाई जी एंड ए डिवाइड बाई ए, यानी मल्टीप्लाई जी बाई ए। ए इज अ स्पेसिफिक इंटरफेशियल एरिया, तो मल्टीप्लाई दिस इज गिवन फॉर द डिफरेंट पैकिंग्स के लिए, दीज आर द अवेलेबल एंड विद द हेल्प ऑफ, देखो दिस इज ग्राफ नहीं, बिफोर डिस्कसिंग दिस ग्राफ देन एच टी ओ जी यू कैन फाइंड आउट, ये यानी सेम रिलेशनशिप जो विच इज रिटन हेयर, इसी को दिस इज एच टी ओ जी, ये दिस इज एच टी ओ जी हो गया, तो ये रिलेशनशिप, तो इसी को ही ये एच टी ओ जी एंड द फर्स्ट टर्म इज एच टी जी, क्योंकि दिस टर्म देखो देखो जी बाई एफ जी ए इज एच टी जी एंड दिस इज एल बाई एफ एल ए इज, देखो यहाँ पे क्योंकि वी हैव मल्टीप्लाई जी बाई ए, तो यहाँ पे भी जी बाई ए आएगा, है ना, जी बाई ए, बट हेयर वी रिक्वायर ए लिक्विड फेस ट्रांसफर, मतलब लिक्विड फेस ट्रांसफर यूनिट, तो दिस देयर फॉर एल इज अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन दिस पार्ट, है ना, एंड मल्टीप्लाई एल डी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हेयर टू मेक दिस एल बाई एफ एल। तो दिस इज यू, दिस इज नोन एज एच टी एल, है ना, एंड दिस इज एच टी जी, दिस इज ठीक। तो ये दिस इज और ये इक्वेशन एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो एच टी ओ जी यानी ओवरऑल यू कैन फाइंड आउट ओवरऑल ट्रांसफर यूनिट, यू कैन फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल, है ना। दिस इज इंडिविजुअल है, दीज आर द इंडिविजुअल, दिस इज ओवरऑल, तो ये इंडिविजुअल के बेसिस पे यू कैन फाइंड आउट द ओवरऑल। इसी को सिंप्लीफाइड और कर दिया गया है, यू कैन मेक दिस सिंप्लीफिकेशन, यानी कि द मास ट्रांसफर रेजिस्टेंस इज एसेंशियली इन ऑल द गैस, है ना, यानी लिक्विड फेज में मास ट्रांसफर रेजिस्टेंस वेरी लेस होगा, तो देर तो वाई आई एंड वाई स्टार यानी इंटरफेसियल कंपोजिशन इज ऑलमोस्ट सेम एज इक्विलिब्रियम कंपोजिशन, तो देयर फोर ये जो होगा दीज टू टर्म्स आर वैनिश आउट, है ना, क्योंकि वाई आई स्टार को इफ यू कैन राइट एज अ वाई स्टार, तो ऑटोमेटिकली दीज टू इक्वेशन आर सेम, यानी कि दिस लॉगरिथमिक मीन एंड दिस लॉगरिथमिक मीन बोथ आर द सेम, तो ये दिस इज कैंसल आउट, तो यू कैन फाइंड एच टी ओ जी, यू कैन राइट इज दिस वे। सिमिलरली फॉर द लिक्विड केस एफ ओ एल जो अगेन इसमें मल्टीप्लाई करेगी एल बाई ए का,
एल बाई ए, है ना, यू कैन मल्टीप्लाई एल बाई ए, एंड हेयर क्या करना पड़ेगा, इन दिस एक्सप्रेशन एल बाई ए तो आएगा ही आएगा, दिस हेयर इन दिस टर्म, है ना, इन दिस टर्म के लिए लिख रहे हैं, इन दिस टर्म एल बाई ए इज कमिंग, एंड क्योंकि दिस इज नो सॉरी दिस वन फर्स्ट वन हेयर एल बाई ए इज कमिंग, एंड क्योंकि दिस इज कंटेन्स द एफ जी यानी कि गैस फेज, तो यानी कि जी का मल्टीप्लीकेशन एंड जी का डिविजन, यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई द जी हेयर एंड देन रीअरेंज, तो ये दिस इज द दिस जी बाई एफ जी ए इज द एच टी जी, ये हो जाएगा एच टी जी एंड दिस इज द एच टी एल, तो वही सेम थिंग देखो एच टी, इन्होंने इसको दे हैव रीअरेंज दिस टर्म कि एच टी जी हेयर लिख लिया, लेकिन दिस इज वही है रीअरेंजमेंट है, बस दिस टर्म इज रिटन हेयर और कुछ नहीं है, दिस इज रिटन हेयर, तो ये एच टी एल ओवरऑल ट्रांसफर, तो दिस वे यू कैन फाइंड आउट द ओवरऑल ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल ट्रांसफर यूनिट्स, है ना, हाइट ट्रांसफर यूनिट आर द नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, यू कैन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पैक्ड सेक्शन यानी हाइट ऑफ द पैक्ड टावर विच कंटेन्स द पैकिंग मटेरियल, तो दिस पार्ट इज ओवर, नाउ वी विल डिस्कस वन क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, दिस प्रॉब्लम दिस इज एग्जाम्पल, क्योंकि दिस कंटेन्स द टोटल कैलकुलेशन विच इज नीडेड फॉर द फाइंडिंग आउट द हाइट ऑफ द टावर, लेकिन बिफोर गोइंग टू दिस वन मिनट, दिस ग्राफ, क्योंकि दिस इज यूज फॉर द डायल्यूट सोल्यूशन एंड वेन हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल, है ना, दिस ग्राफ वही जो सेम दीज एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन विच हैव रिटन हेयर, दीज यू कैन फाइंड आउट डायरेक्टली एन टी ओ जी विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, है ना, तो ये दिस ग्राफ इज एप्लीकेबल फॉर डायल्यूट सोल्यूशन वेन हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल, तो यानी डायल्यूट सोल्यूशन के लिए देखो दिस इज पैरामीटर वाई टू माइनस एम एक्स टू अपॉन वाई वन माइनस एम एक्स टू, तो दिस इज दिस रेशियो and here the x axis pe this is NTOG or the NTOL, and NTOL maximum we use for the stripping purpose and NTOG we use for the absorption purpose, hai na, to ye this graph specify ki this NTOG we will read when we are calculating the absorption column and when NTOL is read from this x-axis when we doing the calculation for absorption stripping section, ye these are the lines for the absorption factor A or the stripping factor, hai na, dono ke liye this is absorption factor or the stripping factor, when we design the stripping column to these you can read for the stripping section, when you call designing the absorption column to then you read this values for the absorption factor, तो यानी कि फॉर ए गिवन दिस रेशियो एंड दिस एब्जॉर्प्शन फैक्टर, है ना, क्योंकि एब्जॉर्प्शन फैक्टर यू कैन फाइंड आउट डायरेक्टली यानी कि एल बाई एम जी से, दिस विल गिव द एब्जॉर्प्शन फैक्टर करस्पॉन्डिंग द एब्जॉर्प्शन फैक्टर लाइन, जैसे फॉर एग्जाम्पल द एब्जॉर्प्शन फैक्टर इज 1.2 एंड द वाई टू माइनस एम एक्स टू अपॉन वाई वन माइनस एम एक्स टू समथिंग 0.01 और इसके करस्पॉन्डिंग 1. ये तो ये दिस वैल्यू गिव द एन टी यू OG, है ना, ये दिस वैल्यू गिव द NTOG, तो सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द स्ट्रिपिंग सेक्शन, तो दिस वे यू कैन फाइंड आउट, तो अब डिस्कस दिस क्वेश्चन, दिस इज द इलस्ट्रेशन, मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंबाइंड एग्जांपल ऑफ 8.2 एंड 8.3, लेकिन ऑल द डेटा इज गिवन हियर, दिस इज मतलब डिजाइन ए पैक टावर, their diameter is 470 mm filled with 38 mm
बर्ल सैडल है ना, बर्ल सैडल दिस इज अ पैकिंग, द सर्कमस्टांसेस आर एज फॉलोस। तो फॉर गैस फेस यानी गैस में द सल्यूट इज अ बेंजीन एंड देयर कंपोजिशन एट द इनलेट इज 0.02 मोल फ्रैक्शन एंड द आउटलेट पे द कंपोजिशन इज यानी लीविंग कंपोजिशन इज 0.00102। दिस इज द इनलेट एंड आउटलेट कंपोजिशन ऑफ द गैस विच कंटेन्स द सल्यूट एज अ बेंजीन। ये दीज टू आर द कंपोजिशन एंड यू कैन कन्वर्ट इन टू द मोल रेशियो बेसिस डायरेक्टली, तो यानी Y1 Y2 यू कैन फाइंड आउट। देन नॉन एब्जॉर्ब गैस यानी जो कैरियर गैस विच कंटेन्स द बेंजीन वेपर्स, तो दे द नॉन एब्जॉर्ब गैस का देयर मॉलिकुलर वेट इज गिवन इज 11, द रेट यानी देयर मास यानी ये दिस इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज गिवन कन्वर्टेड इन टू द मोलर फ्लो रेट है ना, ये है मोलर फ्लो रेट सल्यूट फ्री बेसिस यानी नॉन बेंजीन लिखा है, दिस मीन्स दिस इज सल्यूट फ्री बेसिस एंड द टेम्परेचर इज 26 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टोटल प्रेशर इज दिस। विस्कोसिटी इज गिवन एज 10^-5 केजी मीटर पर सेकेंड एंड द डिफ्यूजिटी इज गिवन एज 1.30 × 10^-5 है ना। अब एंड द लिक्विड, अब लिक्विड की कंडीशंस, दिस इज फॉर द गैस, सिमिलरली फॉर द लिक्विड विच आर यूज एज ए सॉल्वेंट, तो दिस कंटेन्स द बेंजीन एट द इनलेट इज 0.005 है ना। देखो दिस इज द कॉलम एंड दिस इज अ 0.2 एंड दिस इज 1 है ना, हेयर द गैस इज इनलेटिंग एंड फ्रॉम हेयर लीविंग एंड हेयर द लिक्विड इज कमिंग and here is leaving. So therefore this X2 here, this is entering liquid and there contains the benzene of this mole fraction 0.005 and at the outlet the composition of benzene is 0.1063. So dekho, this will be increases 0.1063 and similarly the mole ratio basis pe this is the composition. Then the benzene free oil jo matlab this is a solvent which is solute free basis, to their molecular weight 270, viscosity this and the density is this, rate is yani their mole this is a molar flow rate of 1.787 × 10^-3, temperature 26 degree centigrade, this is same as a gas temperature and the diffusivity of solute in liquid is 4.77 × 10^-10, surface tension given and the equilibrium relationship y star by x yani ki m jo ye de rakha hai, this is 0.1250 to compute the depth of packing required. To first step क्योंकि we require graphically computation, तो write down the equation यानी वो mass balance equation which give the operating line है ना, operating line draw करना and then the equilibrium curve, तो equilibrium relation is given, तो you can easily write the equilibrium मतलब easily draw the equilibrium curve तो with the help of this यानी विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन ड्रॉ द इक्विलिब्रियम कर्व यानी पुट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स एंड ड्रॉ फाइंड आउट द वाई वैल्यू है ना, वाई वैल्यू मिल जाएगी देन यू कैन ड्रॉ द इक्विलिब्रियम कर्व। अब फॉर नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द ऑपरेटिंग लाइन, तो ऑपरेटिंग लाइन के लिए यू राइट डाउन द मास बैलेंस इक्वेशन, तो दिस इज द मास बैलेंस इक्वेशन है ना, दिस nothing देखो अब यू हैव ए चॉइस कि यू कैन राइट फॉर द ड्रॉ द ग्राफ ऑन द मोल फ्रैक्शन बेसिस और द मोल रेशियो बेसिस, तो हेयर जो इन द एग्जाम्पल दे हैव प्लॉटेड इन द मोल फ्रैक्शन बेसिस है ना, क्योंकि दिस इज द डायल्यूट सिस्टम, तो ये ऑलरेडी
मोल फ्रैक्शन बेसिस पे यू कैन ड्रॉ, तो ऑटोमेटिकली द लाइन ऑपरेटिंग लाइन एज वेल एज इक्विलिब्रियम लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट, मतलब मे बी सम कर्वेचर भी प्रेजेंट, लेकिन देयर दिस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यानी कि दे लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन. तो देयर फोर यू कैन यूज मोल फ्रैक्शन इन प्लेस ऑफ मोल रेशियो. तो दिस इज दिस इक्वेशन, दिस इज सिंपल मास बैलेंस इक्वेशन वी हैव ऑलरेडी रिटन, यानी कि दिस इक्वेशन. यानी दिस इक्वेशन यानी दिस इक्वेशन इज रिटन इन मोल रेशियो बेसिस. ये वाई वन माइनस वाई टू एंड दिस इज एक्स टू माइनस एक्स वन. तो दिस इज द वे, तो ये दिस इज रिटन एज एक्स टू है ना, कैपिटल एक्स टू है, दिस इज मोल रेशियो बेसिस में एंड दिस इज अ वाई वन एंड दिस इज द, अब ये दिस इज सॉल्यूट फ्री बेसिस पे, यू कैन राइट फॉर द सॉल्यूट फ्री बेसिस. तो ये जी एंड दिस इज सॉल्यूट फ्री बेसिस ऑफ लिक्विड. तो ये तो यू कैन पुट अब हियर वाई टू एंड वाई वन, क्योंकि दीज टू आर द एंड पॉइंट, तो यू कैन क्योंकि वी नीड डिफरेंट पॉइंट टू ड्रॉ द ऑपरेटिंग लाइन है ना, क्योंकि इफ यू टेक द एंड पॉइंट ओनली कि यू कैन पुट द एंड पॉइंट हियर, एंड पॉइंट से यू कांट एस्टिमेट कि द लाइन इज कि दिस इज अ कर्व और दिस इज अ लाइन है ना, सिंपली स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा, तो यू कांट क्योंकि यू डोंट नो कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये पता है कि दिस इज डाइल्यूट सिलिस्टम, लेकिन दिस मे बी स्ट्रेट लाइन मे नॉट बी. तो दिस फॉर दिस यू कैन टेक अ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन फाइंड आउट द, यानी पुट द वैल्यूज, जैसे सिंपली यू कैन टेक द एक्स वैल्यू है ना, समथिंग यू कैन टेक, देखो दिस ये दिस वैल्यू इज रिटन है, यानी दिस इज द इक्वेशन, यू टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स, और वे एक्स एनी वैल्यू मीन्स यानी एक्स वन और एक्स टू के बीच में, विद इन दिस यू टेक द डिफरेंट वैल्यूज है ना, इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट यू कैन टेक एनी इन विद इन दिस, we didn't take these values, you say they have taken these different values and corresponding they find out the y value, and this is the y value, and when you have a x value capital x, so you can find out this simply small x value yani mole fraction term mein, to with the help of this relationship, yeah, this relationship, and this is the relationship you already know ki this is mole fraction mein hai, to you can with the help of mole ratio you can find out the mole fraction. तो ये उसी से निकाल लिया गया. And similarly, y you can get, then small y you can evaluate. तो with the help of these data, x y data, क्योंकि we are plotting the graph on the mole fraction basis. तो with the help of this, these data, you can draw the operating line. तो this is the operating line is drawn here. ये ऑपरेटिंग लाइन है, दिस इज द लाइन है ना, अपर लाइन इज ऑपरेटिंग लाइन, ये ऊपर वाली लाइन, तो यू कैन ड्रॉ, देन फाइंड आउट द, क्योंकि द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट विच इज गिवन हेयर, या चाहे लिक्विड का और इन द गैस, देखो दिस इज द रेट given as a volumetric flow rate, you can convert, they have converted into the molar flow rate and a molar flow rate solute free basis, or in the liquid may as similarly they have given the molar flow rate. So we require a molar mass flow rate, this is evaluated the mass flow rate per unit cross sectional area.
from unit cross sectional area. Why this is require? Okay, this is require to find, well, this is require to get ki the to get the ki the liquid flow rate at the bottom to top. First we will check ki this is the same or this is will vary, hai na. So for this flow rate will give you idea ki matlab mass flow rate per unit area. This will give you idea ki aisa to nahi ki the cross sectional area ke basis pe this value is varies too much. Agar bahut zyada varies hogi then we can't use the NTOG and HTOG equation directly. So before calculating these height of the column, so first we find out the volume at this liquid flow rate, wo bhi mass flow rate per unit area. So mass flow rate per unit area kaise nikalenge, yani multiply the molar flow rate, because molar flow rate is given here. Molar flow rate is given as 0.787 into 10 to power minus 3 kilomole per second. Yani this is a molar flow rate, multiply the molecular weight. A molecular weight 270 is written here, but this is by mistake, this is written as 270, because the in the illustration 8.2 and 8.3 mein their molecular weight is mentioned as 260. So here kyunki yahan pe multiply kari 260 hai, so this multiply this, so this is give the molecular weight. And quickly this, because this is the solute free free basis, isliye kyunki this is the total flow rate of liquid hai, hai na, mass flow rate per unit area hame nikalna hai. To isliye the solute ka mass flow rate, to yani solute ka mole fraction multiply by the molar flow rate of the liquid multiply by the molecular weight of the solute, yani benzene ka molecular weight. तो ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टावर. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सिंपली क्योंकि डायमीटर गिवन था 470 mm, और उसी को यू कैन राइट हियर एंड फाइंड आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो 0.746, तो ये वैल्यू आ गई है एट द. अब ये देखो द कंपोजिशन 0.1190, क्योंकि वी विल फाइंड आउट द टावर, मतलब वी विल फाइंड आउट द लिक्विड फ्लो रेट एट द टॉप एंड बॉटम. तो देखो ये 0.1190, दिस इज ए सॉल्यूट कंपोजिशन. अब ये कहां पे है 0.1190, सॉल्यूट कंपोजिशन एट द बॉटम, है ना, x1 रिप्रेजेंट द बॉटम कंपोजिशन. तो ये बॉटम की है, तो अब हम सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द टॉप, टॉप पे लिक्विड फ्लो रेट. तो ये बॉटम का है, सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द टॉप पे. तो सिमिलरली फाइंड आउट द टॉप पे, तो टॉप पे ये आ रही वैल्यू. सिमिलरली सिमिलर वे में यू कैन फाइंड आउट, ओनली क्या होगा चेंजेस, ओनली यहां कंपोजिशन यू कैन चेंज द 0.1190 विद 0.00503, ये बस चेंज कर देना इन द प्लेस ऑफ दिस एंड द फाइंड आउट द वॉल्यूम, फाइंड आउट द लिक्विड फ्लो रेट मास फ्लो रेट पर यूनिट एरिया. So you will get 2.66 kg per meter square per second. And ab dekho 2.66 and this is 2.75, yani almost same at 2.66 and 2.7, so average flow rate is 2.71, hai na, take the average of these two value, so this is 2.71. similarly you can find out the gas flow rate same way, yani same way se you can find out the gas flow rate, hai na, kg per मीटर स्क्वायर सेकंड. तो वैसे ही निकालेंगे टॉप पे, है ना, सिमिलरली एंड द बॉटम पे, एंड अगेन फाइंड आउट द एवरेज. तो अगेन एवरेज वैल्यू इज, तो टॉप वैल्यू इज 0.761 एंड द बॉटम वैल्यू, बॉटम वैल्यू ऑफ गैस फ्लो रेट इज 0.761 एंड द टॉप वैल्यू इज 0.670. तो एवरेज वैल्यू इज 0.716. तो ये आ गया. अब यू कैन फाइंड आउट द, अब हमें निकालना है हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट एंड द नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट. तो फॉर हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट वी रिक्वायर एफ जी ए, है ना, दिस वैल्यू वी कैन रिक्वायर. सॉरी
यानी दिस एफ जी ए रिक्वायर्ड, क्योंकि यू नोज क्योंकि यू ऑलरेडी नोज कि जी बाई एफ जी है, दिस विल गिव द एच टी जी है ना, हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट ऑन द गैस फेज बेसिस, तो ये चाहिए, तो इसलिए एफ जी ए चाहिए, एफ जी ए दे हैव फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल गिवन and in this chapter, otherwise this value will be given or sometime we use a correlation which we will discuss in the gas liquid equipments. Mein we already discussed this relationship, this relationship to find out the FGA, otherwise the values will be given in the question. Hai na, to ye FGA and FLA, ye these two values are given, maan lete hain this is values are given for our case. Then we will find out the क्योंकि we require, क्योंकि NTGG equations है, this contains the term in the denominator y minus yi, है ना, ये this term is contain, तो ये वैल्यू हमें चाहिए. अब वाई आई इंटरफेशियल कंपोजिशन, ये करस्पॉन्डिंग इसके वाई के, फॉर दिस वाई वी विल फाइंड आउट द वाई आई, है ना, कि वाई आई देखो दिस वाई रिप्रेजेंट द बल्क कंपोजिशन ऑफ गैस एंड दिस इज एट द इंटरफेस, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितनी होगी ये फाइंड आउट करना. तो देयर इज अ रिलेशनशिप, ये ऑलरेडी रिलेशनशिप वी हैव डिस्कस, ये रिलेशनशिप ये वन अपॉन वन माइनस वाई आई वन माइनस वाई, है ना, दिस इज वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स आई एंड द पावर एफ एल अपॉन एफ जी, है ना, दिस इज द रिलेशनशिप एफ एल अपॉन एफ जी, है ना, तो एफ एल अपॉन एफ जी इज द रिलेशन, यानी कि दिस इज एफ एल अपॉन एफ जी, यू कैन टेक एफ एल ए अपॉन एफ जी ऑल्सो, क्योंकि ए ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट, तो एफ एल ए अपॉन एफ जी यू कैन ऑल्सो यूज हेयर, तो ये दिस इज द रिलेशनशिप, विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशनशिप यू कैन फाइंड आउट द एक्स एंड एम एंड वाई आई, बट फॉर द डाइल्यूट सिस्टम देयर इज अनदर सिंपल वे टू फाइंड आउट द दिस एफ जी ए, मतलब दिस वैल्यूज कंपोजिशन, उसके लिए दे हैव यूज दिस, ये मेथड भी यू कैन यूज, यानी कि एफ जी ए और के वाई ए में जो रिलेशनशिप है उसका यूज करते हुए, तो वो ये रिलेशनशिप के वाई ए पी बी एम और यहां मल्टीप्लाई पी टी, यानी दिस इज द रिलेशनशिप, यूज दिस रिलेशनशिप, ये क्योंकि दीज रिलेशनशिप आर गिवन इन द मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट चैप्टर, यानी कि यूज दिस रिलेशनशिप, तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट, तो वो पीबीएम, पीबीएम स्टैंड्स फॉर द, यानी कि लॉगरिथमिक मीन ऑफ कैरियर फ्री गैस, मतलब सल्यूट फ्री गैस, जो सल्यूट फ्री गैस है उसके उसका पार्शियल प्रेशर, जो भी उसका पार्शियल प्रेशर होगा वो उसका हम लॉगरिथमिक मीन निकालेंगे, तो जैसे हम लोग ने यानी टू पॉइंट, तो वो या इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि के वाई ए यू कैन राइट एज एफ जी ए अपॉन वन माइनस वाई आई एम, है ना, वन माइनस वाई आई एम मीन्स दिस इज अगेन लॉगरिथमिक मीन ऑफ
मतलब कंपोजिशन हेयर इज टेकन एज इंटरफेशियल कंपोजिशन. इसी को ही, क्योंकि देयर इज अ वेरिएशन इन कंपोजिशन फ्रॉम बल्क एंड इंटरफेस इज ऑलमोस्ट मतलब देयर इज अ वेरिएशन इज वेरी लेस, तो इसलिए इसको डायरेक्टली यू कैन यूज अस 1 माइनस वाई आई आई एम को यू कैन डायरेक्टली यूज 1 माइनस वाई आई भी लिख सकते हैं, मतलब 1 माइनस वाई भी लिख सकते हैं. यू कैन टेक दिस एज दिस, यानी कि एफ जी ए अपॉन ये कैन, यानी कि 1 माइनस वाई आई एम को यू कैन टेक एज ए 1 माइनस वाई. तो यानी कि जो 1 माइनस वाई, अब वाई दिस वैल्यू पुट हियर एंड फाइंड आउट एफ जी ए वैल्यू इज गिवन एज, तो यू कैन फाइंड आउट द के वाई ए. वाई के वाई ए और के वाई के एक्स ए इज नीडेड, क्योंकि प्रीवियस टर्न पे वी हैव डिस्कस्ड कि हाउ टू फाइंड आउट द इंटरफेशियल कंपोजिशन. तो इंटरफेशियल कंपोजिशन फाइंड आउट करने के लिए फ्रॉम द फिगर दिस इज द ऑपरेटिंग लाइन एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम लाइन, है ना. तो दिस पॉइंट यू नो, एक पॉइंट हमने फिक्स कर लिया, इसके करस्पॉन्डिंग वी ड्रॉ ए, यहाँ फॉर दिस पॉइंट वी ड्रॉ ए लाइन ऑफ स्लोप दिस. यानी विद द हेल्प ऑफ दिस स्लोप ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, जहां पे वेयर दिस कट द इक्विलिब्रियम लाइन, तो इसके करस्पॉन्डिंग वॉट एवर द वैल्यू ऑफ वाई, दिस इज नोन एज वाई आई, है ना, इंटरफेशियल कंपोजिशन. तो दैट्स वाई वी फाइंड आउट द के वाई ए एंड के एक्स ए. तो यानी कि फाइंड आउट दिस, तो के वाई ए एंड के एक्स ए यू कैन इवेल्युएट, है ना, यानी सिंपली 1 माइनस वाई आई 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 एम को यू कैन राइट एज ए 1 माइनस वाई, ये पुट कर दीजिए वैल्यू, तो के वाई ए एंड के एक्स ए यू कैन इवेल्युएट, देन फाइंड आउट द माइनस के एक्स ए अपॉन के वाई ए. ये स्लोप आपका किस पॉइंट से ड्रॉ करनी है, तो देखो वही जो अभी हम लोग डिस्कस किया, वी हैव यानी दिस इज द लाइन कर्व, है ना, दिस इज ऑपरेटिंग लाइन. तो ये पॉइंट तो हमने वी हैव डिसाइडेड कि दिस पॉइंट इज द ये पॉइंट तो वी हैव डिसाइडेड, है ना. तो यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, ये पॉइंट इज डिसाइडेड. फ्रॉम दिस पॉइंट वी ड्रॉ द स्लोप ऑफ दिस, ये स्लोप ड्रॉ कर देनी है इस पॉइंट से. वेयर दिस कट द इक्विलिब्रियम कर्व, ये करस्पॉन्डिंग इसके, दिस विल गिव द एक्स वाई आई इंटरफेशियल कंपोजिशन. तो ये हमें पता चल जाएंगे. ऐसे यू कैन टेक ए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट वैल्यू, मतलब डिफरेंट पॉइंट ऑन द ऑपरेटिंग कर्व. यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स ले लीजिए, यू कैन टेक डिफरेंट पॉइंट ऑन दिस एंड करस्पॉन्डिंग यू ड्रॉ कर दीजिए लाइन, ये अगेन अगेन दिस स्लोप विल चेंजेस, है ना. तो स्लोप विल चेंजेस क्योंकि एवरी टाइम यू कैन फाइंड आउट द 1 माइनस वाई एंड 1 माइनस एक्स. जो पॉइंट यहाँ डिसाइड किया वाई एंड एक्स, तो उसके करस्पॉन्डिंग 1 माइनस वाई 1 माइनस एक्स, तो उससे एवरी टाइम यू कैन कैलकुलेट द के वाई ए एंड के एक्स ए एंड टेक द डिविजन ऑफ दीज टू एंड फाइंड आउट द स्लोप. तो उससे ये पॉइंट मिलते जाएंगे, तो ये इस करस्पॉन्डिंग जैसे जो भी स्लोप ड्रॉ होती जाएगी, यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंट पॉइंट्स. तो ये हमें वाई आई पता चल जाएगा एट एवरी पॉइंट. तो ये हमारी हो जाएगी वाई की वैल्यू, दिस वैल्यू इज ए वाई करस्पॉन्डिंग दिस, दिस इज वाई स्टार ए वाई आई, है ना, इंटरफेशियल कंपोजिशन. तो ये जैसे वाई वन अगर लेते हो, तो ये वाई आई वन होगा, है ना. दिस इज वाई टू अगर लिया है, दिस इज कंसिडर वाई टू, तो दिस इज वाई आई टू. And similarly, this is y3. Same way, when you get this, all this, I know, when you get all these, जो ये values we have needed, तो ये all these values you have get it, तो ये yi है ना, ये corresponding y है, y on the operating line, and उससे corresponding equilibrium curve पे this is gives the yi. तो ये दीज आर द वाई आई वैल्यू.
तो ये हमारा हो गया, दिस इज वाई एक ऑपरेटिंग पॉइंट लाइन पे एंड दिस इज वाई आई, है ना, ये वाई आई है दिस इज, तो ये वैल्यू पता चल गई। तो यू कैन यूज द एंटीओजी इक्वेशन फाइंड आउट दिस इंटीग्रेशन। अब देखो दिस इक्वेशन इज डिफरेंट, यहाँ पे लॉग वाई यूज किया क्योंकि दे हैव टेकन दिस इक्वेशन, तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन ऑल्सो, दे हैव टेकन दिस इक्वेशन, यानी कि इसी इक्वेशन को, ये जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस करी थी दिस इक्वेशन फॉर एंटीजी, दे हैव रिटन इन दिस फॉर्म, यानी इन द लॉगरिथमिक मीन लॉगरिथमिक इक्वेशन फॉर्म में दे हैव रिटन, तो यानी कि फिर वो जब प्लॉट करेंगे तो प्लॉट बिटवीन द दिस वाई अपॉन वाई माइनस वाई आई वर्सेस लॉग वाई प्लॉट होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे अब क्योंकि इंटीग्रेशन निकालना है, तो जैसे दिस वाई अपॉन वाई माइनस वाई आई वर्सेस लॉग आई लॉग वाई, इसके बीच में यू कैन प्लॉट, तो ये इसके बीच में ही प्लॉटेड है, ये ग्राफ देखो दे हैव प्लॉटेड, दिस इज लॉग वाई एंड हियर द वाई माइनस वाई आई, तो इसको प्लॉट कर देंगे वही जितने पॉइंट्स आपने लिए उस सबको प्लॉट करने के बाद फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व, तो ये आपको एरिया अंडर द कर्व यानी जो इंटीग्रेशन के अंदर वाला पार्ट है ये दिस इज यू विल गेट, ये वैल्यूज तुम आपको पता चल जाएगी एरिया अंडर द कर्व, यानी कि इस वैल्यू ये वैल्यू आपको पता चल जाएगी, है ना, मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद 2.303 तो यू विल गेट द आंसर। अब ये वैल्यू देखो दिस लॉग वाई वन माइनस वाई टू वन माइनस वाई वन, तो दीज आर द एंड कंडीशंस, है ना, गैस कंपोजिशन एट द इनलेट एंड आउटलेट, तो ये डायरेक्टली यहाँ वैल्यूज नोन है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू, ये वैल्यू पता चल जाएगी, टेक द समीशन ऑफ दीज टू तो यू विल गेट द ओवरऑल मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट ऑफ गैस फेज बेसिस, तो वही गैस फेज बेसिस पे दिस नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट दे हैव कैलकुलेटेड। अब एवरेज गैस फ्लो रेट निकाला है क्योंकि वी रिक्वायर्ड इन किलो मोल पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एचटीजी के लिए वी व्हेन वी कैलकुलेट द हाइट ऑफ ट्रांसफर यूनिट तो वी रिक्वायर गैस फ्लो रेट, वो भी मोलकुलर मोलर फ्लो रेट पर यूनिट एरिया, तो वही किलो मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, तो ये एवरेज निकाल दिया गया है, तो एवरेज निकाल कर यानी टॉप एंड बॉटम का मिला के एवरेज, तो वो एवरेज निकालने के बाद पुट कर दीजिए तो एच टी जी आ जाएगा, देन एच टी जी मल्टीप्लाई बाई एन टी जी, दिस विल गिव द हाइट ऑफ द टावर। ठीक, तो दिस वे यू कैन कैलकुलेट, देर इज अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम इज अवेलेबल इन द बी के दत्ता और एनी अदर बुक्स, तो यू कैन कंसल्ट दिस एंड सॉल्व सम प्रॉब्लम इन द होम, and this first thing draw the graph paper, है ना, graph paper and find out the integration, क्योंकि ये पहले डिस्क ये आप एक बार करना घर में सीख लो, क्योंकि अदरवाइज इन द एग्जाम अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है यू का, अगर आपको पता ही नहीं कि कैसे फाइंड आउट द एरिया अंडर दिस का, तो वो क्योंकि जैसे ये एरिया निकालना है तो ये एरिया यू कैन फाइंड आउट बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ ब्लॉक्स अंडर दिस कर्व, है ना, वो तो एक मेथड होता है सिंपल, है ना, अदरवाइज यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड आर अवेलेबल, तो उसके बेसिस पे यू कैन फाइंड आउट, क्योंकि हमारे ख्याल से बेस्ट है कि यू कैन रिमेम्बर सम ऑफ द न्यूमेरिकल मेथड, तो यू डोंट नीड टू ड्रॉ दिस कर्व, है ना, क्योंकि कर्व में समटाइम यू कैन मेक द कम मतलब समटाइम यू गेट द प्रॉब्लम कि हाउ टू काइंड ऑफ काउंट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन दिस एरिया अंडर द कर्व, तो आई विल स्टॉप हियर एंड आई विल गिव यू सम वन असाइनमेंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक यानी गैस लिक्विड ऑपरेशन, और ये दिस इज असाइनमेंट एज ए क्विज सेकंड, है ना, तो आई विल नॉट टेक द क्विज सेकंड बट यू सबमिट दिस असाइनमेंट सेकंड इन प्लेस ऑफ दिस एंड आई विल स्टॉप हियर एंड नेक्स्ट आंसर यानी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अ डेड ड्राइंग।